Hello everyone, we are doing animal fiber silk. So in last topic we have done life history of silk moth, and after that we have started processing of silk. तो उसमें हमने ये किया था कि सिल्क मोथ की लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती है, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट. एग में सबसे पहले एग्स आ गए, लार्वा में वो कैटरपिलर बन जाता है वर्म, प्यूपा में वो कुकून के अंदर पैक हो जाता है और ग्रोथ होने के बाद फिर एडल्ट में वो मोथ बन जाता है और वो उड़ जाता है. तो अब अगर हमें सिल्क लेना है तो ये कुकून जो है इसी से हमें सिल्क मिलता है. ये जो कुकून है यही सिल्क फाइबर बनाता है. तो अंदर जो प्यूपा है जब वो डेवलप होके मोथ बन जाएगा तो वो इस कुकून को ब्रेक करके बाहर आएगा, और जैसे कुकून ब्रेक होगा सारा सिल्क थ्रेड जो है वो वेस्ट हो जाएगा. तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, इसको इसके ब्रेक करने से पहले ही हमें इसके अंदर के प्यूपा को किल करना होता है. तो अब हम इसको ऐसे तरीके से किल करेंगे कि अंदर का इंसेक्ट भी मर जाए और बाहर का कुकून भी सेफ रहे. तो इसे हम क्या कर सकते हैं, बॉइलिंग वाटर में डाल सकते हैं, या तो इसको स्टीम दे सकते हैं या तो इसको ओवन में डाल देते हैं. तो क्या करते हैं हम, कुकून के अंदर इंसेक्ट जिंदा होता है, हम उन कुकून्स को उठाकर बॉइलिंग वाटर उबलते हुए पानी में डाल देते हैं. इससे क्या होता है कि इसके अंदर का जो इंसेक्ट होता है वो मर जाता है, और फिर इसके बाद ये जो बाहर का कुकून है, अब इसके सिल्क थ्रेड को हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसको ठंडे पानी में डालेंगे, फिर निकाल के गर्म में डालेंगे, फिर ठंडे में डालेंगे. इसे कहते हैं हॉट एंड कोल्ड इमर्सन्स. तो बार बार ऐसा करने से क्या होगा कि ये लूज होना शुरू हो जाएगा. ये कुकून जो है ये 2 टाइप की प्रोटीन से बना है, फिब्रोइन एंड सेरेसिन. तो फिब्रोइन प्रोटीन जो है ये सिल्क फाइबर बनाने का काम करती है, ये सिल्क फाइबर बनेगा. और सेरेसिन जो है ये 2 सिल्क फाइबर्स को आपस में जोड़ने का काम करती है, तो एज सीमेंट काम करती है, जिसकी वजह से ये कुकून जो है ये हार्ड हो जाता है. ऊपर से नीचे गिरेगा तो ये टूटेगा नहीं जब तक कि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना की जाए. तो ये होगा सेरेसिन की वजह से. सेरेसिन पहले तो लिक्विड जैसा होगा, लेकिन जैसे ही वो एयर के कॉन्टेक्ट में आता है, सिल्क वर्म के सलाइवरी ग्लैंड से निकल के जब वो एयर के कॉन्टेक्ट में आता है उसके बाद वो हार्ड हो जाता है. तो अब फिब्रोइन और सेरेसिन प्रोटीन्स जो हैं ये हम बॉइलिंग वाटर में डालने से सेरेसिन मेल्ट हो जाएगा और फिब्रोइन प्रोटीन जो है ये इसके फाइबर सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, पानी के ऊपर तैरना शुरू हो जाएंगे. अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है रीलिंग. बॉइलिंग वाटर में डालने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया रीलिंग, इसे हम फाइलेचर भी कहते हैं. इसमें हम क्या करेंगे, इस कुकून से सिल्क फाइबर को निकालेंगे, जैसे धागे को हम निकालेंगे, तो इस प्रोसेस को कहेंगे रीलिंग. अब ये रीलिंग प्रोसेस करने से पहले कई बार कुकून जो है उनकी ब्रशिंग की जाती है, उनके ऊपर के फाइबर को अलग निकाल लिया जाता है. बॉइलिंग वाटर में डालेंगे तो ऊपर वाला फाइबर अलग जो और जो बिल्कुल अंदर वाला पार्ट होगा उसको अलग रखा जाता है, क्योंकि बाहर वाला जो फाइबर है वो गुड क्वालिटी का होता है और जो अंदर वाला फाइबर होता है वो थोड़ा लो क्वालिटी का होता है. तो यहाँ पे रीलिंग करने के बाद जब हमने ये फाइबर निकाल लिया, उसके बाद हम उस फाइबर को इकट्ठा करेंगे, तो उस प्रोसेस को कहते हैं थ्रोइंग. उसको हम इकट्ठा करेंगे तो इसमें क्या करते हैं, 2 या 3 कुकून से आने वाले फाइबर को हम इकट्ठा लेंगे. इकट्ठा लेने के बाद हम इसमें ट्विस्टिंग करेंगे और उससे फिर यार्न बनाएंगे, सिंगल यार्न बनाएंगे. ये 2 और 3 कुकून से आते हैं लेकिन अभी हमने इसे सिंगल यार्न बना दिया. ये प्रोसेस होगी थ्रोइंग में. यार्न बनाने के बाद हम उसके स्किन्स बनाते हैं. स्किन्स क्या होता है, आपने देखा होगा कि मार्केट से जब वूल लेकर आते हैं तो वूल जो है वो इस तरह के गोले में होती है, तो लूज होती है. तो हम क्या करते हैं उसमें धागा निकाल के उसके गोले बनाते हैं.
तो उस तरीके से गोले लूज लूज उसकी पैकिंग को हम स्किन्स कहते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इन स्किन्स को इकट्ठा करके पैक करते जाएंगे, जिसे हम कहते हैं बुक्स। सो बंडल्स ऑफ स्किन्स आर नोन एज बुक्स। तो हम इनको इकट्ठा करके पैक कर देंगे और इसके बाद फिर इनको सिल्क इंडस्ट्री में भेजा जाता है, जहाँ पर इनसे डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स बनाए जाते हैं जो कि हम यूज करते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमने यहाँ पे कुकून को बॉइलिंग वाटर में डाल दिया। सो अबाउट 1 किलोग्राम सिल्क लेने के लिए हम 5,500 कुकून्स को उबलते पानी में डाल देते हैं। यानी कि अगर हमें 1 kg सिल्क लेना है तो उसके लिए हमें इतने सिल्क मोथ को पैदा बनने से पहले ही मारना होगा। तो इसीलिए ये जो नेचुरल सिल्क होता है जो कि हमें इंसेक्ट को मारने से मिलता है, ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है। और जो एनिमल लवर्स हैं वो इसकी प्रोडक्शन के लिए मना करते हैं। आपने सुना होगा पेटा के बारे में, ठीक है, तो वो होता है जैसे एनिमल्स के लिए। तो वैसे ही ये भी कहा जाता है कि प्योर सिल्क जो है इसकी प्रोडक्शन पे रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए हमें इतने सारे इंसेक्ट्स को मारना पड़ता है। तो आप ये सोचो कि अगर हमें एक कंप्लीट ड्रेस बनानी होगी उसके लिए हम कितने इंसेक्ट्स को मारेंगे। एक कुकून से अबाउट 1 किलोमीटर लॉन्ग सिल्क फाइबर निकलता है। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का होता है, शाइनी होता है, इसलिए लोग उसका यूज़ करते हैं। लेकिन वो सिर्फ एक कुकून यूज़ नहीं होता है, अबाउट 10,000-5,000 सिल्क जो है, सिल्क वॉर्म जो है, उनको मारने से एक ड्रेस के लिए फाइबर बनेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क। सिल्क जो है बहुत ही स्मूथ होता है, सॉफ्ट होता है, नरम होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है, ये मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से हम इसको समर सीजन में पहन सकते हैं कि हमारी बॉडी से स्वेट को भी एब्जॉर्ब कर लेगा और उस वजह से हमें कूल फील होगा। सेम ये वार्म भी होता है, तो इसे हम विंटर में भी पहन सकते हैं। नेक्स्ट यूजेस ऑफ सिल्क, कहाँ कहाँ पे सिल्क का यूज किया जाता है। तो सिल्क की प्रॉपर्टीज पढ़ के तो आपने सोचा होगा कि ये सिर्फ हमारे क्लोथ बनाने के काम आता है, लेकिन काफी जगह पे यूज होता है सिल्क जो है। उसका यूज डिफरेंट टाइप के क्लोथ, स्कार्फ, साड़ी, ड्रेसेस बनाने के लिए किया जाता है। सिल्क का यूज स्ट्रॉन्गेस्ट होने की वजह से बुलेट प्रूफ वेस्ट, वेस्ट होते हैं जैकेट्स एक्सेट्रा, तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। इसका यूज पैराशूट बनाने के लिए भी किया जाता है। पैराशूट आपने देखे होंगे, इस तरह के होते हैं, फ्लाइंग के लिए लोग इनका यूज करते हैं, तो पैराशूट में भी इसका यूज किया जाता है। और सर्जर्स इन सर्जरी, सर्जर्स मीन्स स्टिचेस, सर्जरी के टाइम पे, ऑपरेशन के टाइम पे फिर जो स्टिचेस लगाए जाते हैं, स्किन को सिला जाता है, तो उसमें उस जो थ्रेड यूज होता है वो सिल्क का होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स ऑफ सिल्क इंडस्ट्री। वूल इंडस्ट्री की जैसे हमने की थी, उससे एंथ्रेक्स डिजीज हुई थी, तो यहाँ पे एंथ्रेक्स तो नहीं है, लेकिन उसके अलावा दूसरे डिजीजेस हैं। सो जब हम कुकून्स को बॉइलिंग वाटर में डालते हैं तो उस वाटर को गर्म करने के लिए जो भी हम फ्यूल यूज़ करते हैं, या फिर कुकून को हमने पानी में डाल दिया, उसमें से जो स्टीम निकल के आई, तो उसमें जो वेपर्स होते हैं उनकी वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसमें अस्थमा भी हो सकता है, जिसमें कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कफ डिपॉजिट हो जाता है, क्योंकि बार बार वहाँ से सीक्रेशन होती रहती है। यहाँ पे ब्रोंकाइटिस भी होती है, ब्रोंकाइटिस भी अस्थमा के जैसी प्रॉब्लम है। ये स्पेशली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में ब्रोंकाई एक पार्ट होता है, जो हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तो वहाँ की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम इससे होती है। यहाँ पर
कुकुर्स को बार बार टच करना पड़ता है, गर्म पानी में ठंडे पानी में डालते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि गर्म गर्म पानी में डालने से कुकुर्स को वहाँ से निकालने में स्किन में ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें पानी भर जाएगा, काम करते रहने से वो छाले पड़ जाएंगे और फिर उससे स्किन इन्फेक्शन हो जाएंगे और हमारी स्किन जो है कई बार बहुत ही रफ हो जाती है, तो उसे हम कहेंगे रॉ स्किन। रेगुलरली इंडस्ट्री में काम करने की वजह से अंदर काम करते रहते हैं तो लाइट की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, लो लाइट लो सनलाइट की वजह से, तो आई साइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, आई साइट जो है वो वीक हो सकती है। और कंटिन्यूसली कुकून के साथ वर्क करने के लिए जब हम खड़े रहते हैं तो उससे बैक एक हो सकती है, हमारी बैक में प्रॉब्लम हो सकती है, दर्द हो सकती है, खड़े रहने से लेग डिफॉर्मिटीज हो सकती है, हमारी लेग्स में प्रॉब्लम हो सकती है। डिफॉर्मिटीज हुआ कि जैसी नेचुरल उनकी फॉर्मेशन है उससे चेंज हो सकती है, और बो लेग्डनेस, बो होता है धनुष, जैसे ये धनुष होता है, तो कई बार हमारी लेग्स जो है काफ़ी देर खड़े रहने से इस तरीके से भी हो सकती हैं, ये लेग्स या तो इस तरह से होगी इस तरह से होगी, तो लेग्स जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रह जाएंगी, उनकी जो शेप है काफ़ी घंटे रेगुलर खड़े रहने से वो चेंज हो जाएगी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। हमारे चैप्टर में दो पार्ट थे, वूल और सिल्क, तो वूल हम ऑलरेडी कर चुके हैं और दो लेक्चर में हमने ये सिल्क का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।